चैनल देसी फैशन वर्ल्ड और मैं हूं रीना। सो गाइस वंस अगेन आई एम बैक विद एन अनदर मीशो हॉल और ये हॉल है रीसेलिंग हॉल। यहां पर मीशो से खरीदे गए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी का एक हॉल बनाया मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पर। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि दी आप रीसेलिंग स्टार्ट करो, जो भी आप चीजें मंगाते हो वो आप लोगों के पास होती हैं तो आप उसकी रीसेलिंग करो। सो यहां पर जितनी भी आपको स्टफ मैं दिखाऊंगी उनके प्राइसेस ऑब्वियसली एमआरपी से कम पर ही आपको दिए जाएंगे। किसी के प्राइसेस 100 कम होंगे, किसी के 200 कम होंगे। एंड सो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दे रखा है उसे हिट कर लें जिससे सभी नोटिफिकेशन उनको मिल पाए एंड वो सभी वीडियोस को देख पाए। सो स्टार्ट करते हैं हिना खान की एक साड़ी से। ये एक सैटन सिल्क की साड़ी है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में दिखाया था इस तरीके से ये साड़ी है एंड 5.5 से ज्यादा मीटर की साड़ी है एंड इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। इस पे सिरोस्की का वर्क दे रखा है एंड इस तरीके से मल्टी कलर की ये साड़ी है। सो गाइस ये साड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है एंड इसकी जो मॉडल पिक्चर है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। एंड ट्राई ऑन में आप लोग देख सकते हो इस साड़ी को कि ये साड़ी देखने में कैसी लग रही है। एंड इस साड़ी के जो प्राइजेज है 848 कंपनी प्राइस है, लेकिन यहाँ पर मैं उसको सेल कर रही हूँ 748 रुपीज। जॉर्जेट की साड़ी है जिसके ऊपर गोटा पट्टी का बहुत ही सुंदर सा वर्क हो रहा है। एंटीक टाइप की साड़ी है एंड बेसिकली ये बॉलीवुड इंस्पायर्ड साड़ी है जो कि कैटरीना कैफ से इंस्पायर्ड है, जो उन्होंने व्हाइट कलर में पहनी थी उसी का ही ये काफी सारे कलर और वर्जन आ गए। सो उसी से इंस्पायर्ड ये साड़ी है और इसे मैंने पहना है, यहाँ पिक्चर में देख सकते हो एंड ट्राई ऑन भी आप देख सकते हो। सो इसके साथ ये साड़ी मिलती है 5.5 मीटर की, साथ में आपको ब्लाउज भी मिलता है बहुत ही सुंदर सा तपेता सिल्क का इस तरीके से इनर मिलता है एंड ये बहुत ही सुंदर वाला एक इस तरीके से आपको मिलता है ब्लाउज। सो यहाँ पर इस वाली साड़ी के प्राइसेस हैं, कंपनी प्राइस 968 रुपीज है एंड यहाँ पर मैं आपको देने वाली हूँ ये 868 रुपीज है। स्टफ आप मुझे इंस्टाग्राम पर उसकी क्लिक करके पिक्चर आप मुझे वहां दे सकते हो तो मैं आपको उसके आगे का फर्दर प्रोसेस समझा दूंगी। हम बात करेंगे एक डिजाइनर ब्राइडल लहंगे की जो कि वेलवेट का लहंगा है इस तरीके से। ये पिंक एंड ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है एंड इस तरीके की ये पाउच में हमें रिसीव होता है और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो है पूरा का पूरा वेलवेट का लहंगा है एंड बहुत ही ज्यादा सुंदर, इतनी प्यारी इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, पूरी की पूरी जाल वर्क हो रखा है एंड इस एम्ब्रॉयडरी की जो फिनिशिंग है ना ये बहुत अच्छी आ रही है। इसके ऊपर पूरी निखर कर आ रही है, ये गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी आप देख सकते हो एंड इसके अंदर जो बेस दे रखी है वो आपको इस तरीके से दे रखी होती है। 44 आपको बेस दे रखी होती है एंड 44 ही आपको लेंथ दे रखी होती है। यहाँ पर आपको ब्लाउज मिलता है वो भी फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड है इस तरीके का एंड जो वेलवेट दे रखा है वो भी काफी स्मूथ सा वेलवेट है। एंड यहाँ पर जो दुपट्टा दे रखा है आपको वो दुपट्टा पिंक कलर में नेट में मिलता है एंड इसकी जो विड्थ है वो काफी अच्छी है, जो इसकी लेंथ है वो काफी कम है, ये एक्चुअली 2 मीटर भी नहीं होगा, 2 मीटर से कम ही है ये। तो 1197 इसका कंपनी प्राइस है एंड 1097 में मैं आपको सेल कर रही हूँ। एंड thank you.
लहंगा जो कि अनस्टिच लहंगा एंड समर के लिए एकदम एप्रोप्रिएट है। एंड पिंक कलर का ये लहंगा है जो कि पिंक कलर सभी लेडीज का फेवरेट होता है, सभी को बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये एक बहुत ही प्यारे से बेबी पिंक कलर का लहंगा है जो कि अनस्टिच है। इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हो आप, ये पूरा का पूरा इसका टॉप मिलता है एंड टॉप इस तरीके से मिलता है कि आप इसे शॉर्ट कुर्ती के रूप में बना सकते हो। इसके ऊपर गोटा पट्टी का बहुत ही सुंदर सा वर्क दे रखा है। सो गाइज अगर मैं बात करूं इसके बॉटम की, तो बॉटम कुछ इस तरीके से आपको मिलता है जो कि अनस्टिच है ऑब्वियसली, एंड कुछ तिरछा तिरछा सा दे रखा है आपको। ये अनारकली पैटर्न में मिलता है तो आपको इसी तरीके से स्टिच कराना होगा। इस तरीके से देख रहे हो आप, इसके ऊपर गोटा पट्टी का बहुत ही सुंदर वर्क हो रखा है। इतना प्यारा फ्लेयर है इसका, तो आपको इसके अंदर इनर भी लगवाना पड़ेगा। और इसके नीचे आपको केन लगवाना चाहते हो तो केन नहीं तो फॉल के लिए आप थोड़ा सा बुकरम भी लगवाना पड़ेगा। सो अब बात कर लेते हैं इसके दुपट्टे की। कोटा जाली का ही इसका दुपट्टा है एंड दुपट्टे की लेंथ काफी अच्छी दे रखी है, विड्थ काफी अच्छी दे रखी है एंड इनके दुपट्टे के बॉर्डर पर काफी अच्छा गोटा पट्टी का वर्क किया गया है जो कि ऑलरेडी इसके लहंगे के ऊपर किया गया है। वैसा ही 844 इसका कंपनी प्राइस है एंड क्वालिटी ऑसम है, बहुत अच्छी है। सो आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हो। गाउन की तरफ जो कि सोनाक्षी सिन्हा इंस्पायर्ड गाउन है एंड इसको मैंने अपने वीडियो में दिखाया था एंड मैंने अपने ईद आउटफिट में भी इसको वेयर किया था। सो गाइस इसका स्टफ बहुत ही ज्यादा प्यारा है एंड ये गाउन बिलीव मी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है पहनने के बाद। मरून कलर का फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड गाउन है ये, आप देख सकते हो इस तरीके से ये सेमी स्टिच आपको मिलता है। इसके अंदर पूरी स्लीव दी गई है, इसके अंदर पूरा ये जॉर्जेट का ये इसके ऊपर जॉर्जेट का फैब्रिक है एंड इसके ऊपर पूरी अच्छे से एम्ब्रॉयडरी की गई है जो जाल वाली एम्ब्रॉयडरी है। यहाँ पर इनर की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट क्रेप का इनर भी मिलता है आपको। फुल स्लीव में आपको ये गाउन मिलता है जिसके ऊपर इस तरीके से बारीक सी एम्ब्रॉयडरी की गई है जो बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन है। प्लीट्स के साथ मिलता है आपको, उसका फ्लेयर बहुत ज्यादा अच्छा है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है ये, और इसकी जो फिनिशिंग है वो भी बहुत ही प्यारी लग रही है। कंपनी प्राइस 1449 रुपीज है। यहाँ पर अगर हम बात करें दुपट्टे की, तो दुपट्टे की लेंथ एंड विड्थ दोनों ही बहुत अच्छी दे रखी हैं। ये देख सकते हो ये प्योर नेट का दुपट्टा है, इसमें इसकी लेंथ बहुत अच्छी दे रखी है। इसके ऊपर कुछ पर्ल का वर्क हो रखा है, किनारे पर एक छोटा छोटा सा बॉर्डर दे रखा है। इसके बाद बात करते हैं बॉटम की, तो बॉटम भी क्रेप का बहुत ही अच्छा सा बॉटम दे रखा है। तो 1449 रुपीज का प्राइस है, यहाँ पर मैं इसको सेल कर रही हूँ 1300। रीसेलिंग वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज जरूर बताइएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरीके के रीसेलिंग वीडियोस में, तो मैं नेक्स्ट जितने भी अपने स्टफ है उन सभी का रीसेलिंग वीडियो बनाऊंगी सो दैट आप लोग देख पाओ। अगर आपको कुछ भी इसमें से पसंद आता है, कोई भी आउटफिट पसंद है, तो आप लोग को डिलीवरी दे दी जाएगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।